मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम की वजह से मेडिकल एंट्री टेस्ट की तारीख 16 की बजाय 23 सितंबर कर दी गई है। रिस्पेक्ट करते हुए मुहर्रम की और कुछ हमारे जो अहले तशी बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज की ख्वाहिश को रिस्पेक्ट करते हुए, उनके मजहबी अकीदे को रिस्पेक्ट करते हुए इसको एक हफ़्ता आगे किया जा रहा है और इंशाल्लाह अब 23 को सुबह 10 बजे ये होगा, बच्चे 8 बजे के बाद एंटर हो सकेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम ने ये भी कहा कि पिछली बार पेपर आउट होने से अदारे की साख को नुकसान पहुंचा, अब ऐसा नहीं होगा, इंतजामात कर लिए गए हैं। पेपर बहुत इम्तिहान के करीब प्रिंट होगा, बहुत देर पहले नहीं प्रिंट होगा और उसकी सिक्योरिटी पूरी, ये सारी चीज़ का हमने ऑडिट कराया है, कई एजेंसी से ऑडिट कराया है कि शायद किसी मौके पे कोई कमी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिस्टम हमारा रॉबस्ट है, बहुत इसमें इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी होगी। वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम का मजीद कहना था कि एंट्री टेस्ट की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सलमान नजीब भट्ट, लाहौर न्यूज़।